हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू डिलीट स्नैपडील अकाउंट परमानेंटली। तो स्नैपडील अकाउंट आपको अपना किसी भी रीज़न के वजह से डिलीट करना है तो कैसे करना है, यही इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखना। चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप देख सको। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग ईमेल के थ्रू रिक्वेस्ट करेंगे स्नैपडील को और अपना अकाउंट वहाँ से डिलीट करेंगे। तो ईमेल ओपन कर लेना है, जीमेल पे आके क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है। सबसे पहले नेम का कॉलम लिखेंगे, उसमें आपको अपना पूरा नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे स्पेस देके नंबर का कॉलम लिखेंगे, उसमें आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर लिखना है, जो भी आपका नंबर आपने स्नैपडील के अकाउंट में डाला था। उसके बाद यहाँ पे आपको स्पेस देके लिखना है रिक्वेस्ट का कॉलम। रिक्वेस्ट के कॉलम में बताना चाहता हूँ जो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ, वही सेम टू सेम मेरा कॉपी करके लिख लेंगे। और अगर आप यहाँ पे खुद से लिखना चाहते हैं तो खुद से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है प्लीज़ डिलीट माय स्नैपडील अकाउंट परमानेंटली एज सून एज पॉसिबल। और उसके बाद आपको स्पेस दे के नीचे लिखना है थैंक्स एंड वॉर्म रिगार्ड्स। ये लिखने के बाद आपको ऊपर सब्जेक्ट का कॉलम दिखेगा, वहाँ पे उसी से रिलेटेड लिख देंगे स्नैपडील अकाउंट डिलीट रिक्वेस्ट। ये सब कुछ लिखने के बाद आपको अपना ईमेल चेक करना है अच्छे से, और चेक करने के बाद यहाँ पे आपको स्नैपडील की ईमेल आईडी डालना है, उसके एप्लीकेशन से मिल जाएगी। और ईमेल जब आप चेक करोगे तो आपको ये भी चेक करना है जो भी आपने यहाँ पे लिखा है वो प्रॉपर और करेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक या कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर ईमेल में मिस्टेक हो जाएगी तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी, इसलिए ध्यान से ईमेल चेक करने के बाद आप अपना ईमेल यहां पे सेंड कर सकते हैं। जैसे आप ईमेल सेंड करेंगे आपको कंफर्मेशन के लिए ईमेल आ जाएगा या फिर कॉल आ जाएगा कस्टमर केयर की तरफ से स्नैपडील के आप यहां पे अपना अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं, और डिलीट करना चाहते हैं तो क्यों डिलीट करना चाहते हैं रीज़न आपको बताना पड़ेगा। तो जो भी आपका पर्सनल रीज़न है वो आपको मेंशन करना है, बता देना है कस्टमर केयर को। उसके बाद यहाँ पे आपका स्नैपडील अकाउंट 24 आवर्स के अंदर मैक्सिमम डिलीट हो जाएगा। ये है पहला ऑप्शन जहाँ पे आप ईमेल के थ्रू रिक्वेस्ट करके अपना स्नैपडील अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन की। यहाँ पे आपको सिंपली स्नैपडील एप्लीकेशन ओपन करना है, वहाँ पे आप हेल्प एंड सपोर्ट या फिर कॉन्टेक्ट अस के ऑप्शन पे जाएंगे। वहाँ कस्टमर केयर के साथ आप लाइव चैट भी कर सकते हैं और वाया कॉल के थ्रू भी बात कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कस्टमर केयर को बताना है कि आपको अपना अकाउंट डिलीट करना है, और रीज़न भी बता देना है क्यों डिलीट करना चाहते हैं, और जो भी आपको प्रोसीजर है वो कस्टमर केयर से पूछना है कि अकाउंट डिलीट करने का क्या प्रोसीजर है। जो प्रोसीजर आपको बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, और वहाँ से भी आप अपना स्नैपडील अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दोनों मेथड बता दिया है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन ट्राई करके आप अपना अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। ओके बाय।